हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी में। फ्रेंड, यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना पायरेट्स एंड तमिल तलेबाज के बीच में होने वाले कबड्डी के प्रो कबड्डी लीग के पहले मैच के। तो फ्रेंड, यहां पर बहुत ही खुशी की बात है कि कबड्डी हमारे बीच में वापस आ गई फ्रेंड। और यहां पर लास्ट कबड्डी का जो मैच हुआ था फ्रेंड वर्ल्ड कप के हुए थे, एंड उसके बाद से अभी यहां पर प्रो कबड्डी सीजन स्टार्ट हो गया फ्रेंड। तो यहां पर मैं आपको सारे मैचों की फ्रेंड यहां पर अच्छी टीम बना के दूंगा और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग की हेल्प हो सके और आप लोग यहां पर विन कर सके। तो फ्रेंड, बात करते हैं पटना पायरेट्स एंड तमिल तलेबाज के बीच में होने वाले मैच के। तो फ्रेंड, पहले हम यहां पर स्टार्टिंग सेवन की बात करते हैं कि क्या स्टार्टिंग सेवन हो सकती है इस मैच। तो फ्रेंड, आप यहां पर देख सकते हैं पटना पायरेट्स और तमिल तलेबाज फ्रेंड दोनों ही बहुत अच्छी टीम है। और यहां पर इनकी स्टार्टिंग सेवन की बात की जाए तो फ्रेंड यहां पर कुलदीप सिंह जो इनके ऑलराउंडर है फ्रेंड, यहां पर रेडिंग की भूमिका भी करते पर रेडिंग उतनी नहीं करते फ्रेंड, यहां पर डिफेंडर ज़्यादा हैं। तो कुलदीप सिंह यहां पर खेलेंगे, फिर उसके बाद आएंगे फ्रेंड यहां पर विकास काले, फिर तुषार पाटिल या सुरेंद्र सिंह में से कोई एक खेल सकते हैं फ्रेंड, पर सुरेंद्र सिंह के खेलने के चांस थोड़ा कम लग रहे हैं, तुषार पाटिल के खेलने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद फ्रेंड यहां पर आएंगे जो मेन रेडर इनके प्रदीप नरवाल फ्रेंड, बहुत ही अच्छे यहां पर प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छा इनका रेडिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा इनका काम रहता है फ्रेंड। और हर मैच में इनका एवरेज 10 से 12 रेड तो आराम से ले लेते हैं फ्रेंड और काफ़ी अच्छे पॉइंट बना कर देते। तो पिछले सीजन में आपने देखा था फ्रेंड कि काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस था और यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं प्रदीप नरवाल। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सेकंड रेडर की भूमिका में आएंगे यहाँ पर दीपक नरवाल, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेयर हैं। और यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम में इस बार इनको ऑक्शन में लिया गया फ्रेंड दीपक नरवाल को, और काफ़ी अच्छे प्लेयर है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आएंगे मनीष कुमार जो कि इनके डिफेंडर है, एंड जयदीप। तो जयदीप भी फ्रेंड बहुत ही अच्छे, आपने पिछले सीजन में देखा था जयदीप एंड मनीष कुमार दोनों ने अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस की थी। तो फ्रेंड, तमिल तलेबाज की स्टार्टिंग सेवन की बात करें क्या स्टार्टिंग सेवन होगा, तो यहाँ पर अमित हुड्डा फ्रेंड बहुत ही अच्छे यहाँ पर डिफेंडर है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक रहेंगे इस मैच में अमित हुड्डा को लेने का। दर्शन भी फ्रेंड काफ़ी अच्छे यहाँ पर डिफेंडर है फ्रेंड, तो आप दर्शन को डिफेंडर में ले सकते हैं और अच्छे पॉइंट में आपको एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर जसवीर सिंह की, जसवीर सिंह फ्रेंड काफ़ी अच्छे यहाँ पर रेडर है, तो जसवीर सिंह को आप एज ए रेडर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जसवीर सिंह स्टार्टिंग सेवन में 100% खेलेंगे। अजय ठाकुर फ्रेंड इंडिया टीम जो कबड्डी की फ्रेंड उसके कैप्टन है फ्रेंड अजय ठाकुर, और यहाँ पर बहुत इनका परफॉर्मेंस भी रहा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जो वर्ल्ड कप हुआ था फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सुकेश हेगड़े जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो ये भी इस मैच में खेलने वाले सेकंड रेडर की भूमिका में ये रहेंगे। सी अरुण जो डिफेंडर हैं एंड मंजीत चिल्लर जो कि यहाँ पर इनके ऑलराउंडर है। तो फ्रेंड ये होगी इनकी प्लेइंग सेवन, तो ये स्टार्टिंग सेवन हो सकती है फ्रेंड। बाकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मुझे कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, बाकी इसमें सब्स्टिट्यूट आ सकता है और प्लेइंग इलेवन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि चांस यही होगा कि ये प्लेइंग सेवन ये हो सकती है। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने टीम बनाई है आप लोगों के लिए, तो फ्रेंड मैं उसका टीम प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ इस मैच के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड इस टीम के साथ यहाँ पर जा सकते हैं फ्रेंड, तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एडिट करके इस टीम का फ्रेंड क्या यहाँ पर हो सकता है। तो फ्रेंड पहले रेडर से बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड प्रदीप नरवाल को आपको लेना ही होगा अगर आपको ये मैच जीतना है फ्रेंड। अगर हमें प्रदीप नरवाल एंड अजय ठाकुर इन दोनों को आप मिस करते तो आप ये मैच नहीं जीत पाओगे फ्रेंड, ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप स्मॉल लीग इन दोनों के बिना नहीं जीत पाओगे, क्योंकि फ्रेंड ये बिल्कुल वन मैन आर्मी की टाइप काम करते हैं और अपनी टीम को यहाँ पर अच्छे रेडिंग भूमिका करते हैं और अपनी टीम का काफ़ी अच्छे रेड पॉइंट दिलाते हैं और यहाँ पर ये अच्छे यहाँ पर विन कराते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रदीप नरवाल अजय ठाकुर को आपको किसी भी टीम में, मैं तो बोलूँ ग्रैंड लीग में भी आपको लेना ही होगा, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग, तो आपको दोनों में इनको लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड तीसरा जो मैं यहाँ पर प्लेयर ले रहा हूँ वो है जसवीर सिंह। जसवीर सिंह फ्रेंड बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेडिंग में काम करते हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पर पॉइंट निकालते हैं। तो फ्रेंड तीन रेडर में लेके चल रहा हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा पॉइंट एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहो तो मंजी चिल्लर को ले सकते हो, बट आपके पास पॉइंट नहीं है फ्रेंड और यहाँ पर 100 पॉइंट में आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर कबड्डी के अंदर कि हमको एक अच्छी टीम बना पाना। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर कुलदीप सिंह को मैंने एज ए यहाँ पर ऑलराउंडर रखा है, आप चाहो तो मंजी चिल्लर को रख सकते हैं बट उसके लिए आपके पास पॉइंट कवर नहीं हो पाएंगे। बाकी फ्रेंड इन प्लेयर्स का कोई भरोसा नहीं है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उतना मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं डिफेंडर की, तो डिफेंडर फ्रेंड मैं यहाँ पे मनीष को ले रहा हूँ, जयदीप को ले रहा हूँ और दर्शन को ले रहा हूँ। तो फ्रेंड ये तीन डिफेंडर मैं रखूँगा ताकि मेरे यहाँ पर पॉइंट कवर हो जाए। तो फ्रेंड थोड़ा मनीष का डाउट है, बट मुझे लगता है कि मनीष इस मैच खेलेंगे, 100% खेलेंगे, जयदीप खेलेंगे, दर्शन तो खेलना ही है फ्रेंड, दर्शन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और आप चाहो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास सी अरुण, बट इसके लिए भी आपके पास पॉइंट एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एंड जवाहर इस मैच में खेलेंगे फ्रेंड, जवाहर के लिए अगर काले खेलेंगे हुड्डा खेलेंगे, बट आपके पास यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट नहीं हो पाएंगे फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी कुछ टीम बना दो। तो फ्रेंड मैं आपको एक और यहाँ पर अच्छा आइडिया देता हूँ, आप यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप 10 पॉइंट का कोई प्लेयर या 10.5 पॉइंट का जो यहाँ पे है 10.5 का कोई आप प्लेयर ले लीजिए और यहाँ पर एक अच्छे जो 6 प्लेयर है अच्छे ले लीजिए, एक सेवन एक
सातों प्लेयर ऐसा ले लीजिए फ्रेंड जो इस मैच में नहीं खेलेगा, और तब जाके आप अपनी एक बैलेंस टीम और बना सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि लास्ट सीजन में काफ़ी बंदों ने यही किया था और हम लोग भी काफ़ी मैचों में यही करते थे कि एक प्लेयर ऐसा रखते थे जो खेलेगा ही नहीं, तो 10 पॉइंट में आपको मिल जाएगा, और बाकी आप 6 प्लेयर ऐसे लीजिए जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है और वही आपको मैच जिता कर दे देंगे। तो फ्रेंड कैप्टन यहाँ पर रहेंगे हमारे प्रदीप नरवाल एंड वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर अजय ठाकुर, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये फ्रेंड ये टीम आप आराम से आप इसमें स्मॉल लीग में आपको या 2 मैन 3 मैन में आप आराम से इस मैच में जीत सकते हो। तो फ्रेंड आप इस टीम को लगा के आप आराम से जीत सकते हैं। ओके फ्रेंड, और अगर ये मैच से पहले मुझे कुछ अपडेट करना होगा फ्रेंड तो मैं आपको बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको मैं यहाँ पर मैच की जो फाइनल टीम है वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। मैच का जो यहाँ पर न्यूज़ है फ्रेंड, अगर कुछ मुझे न्यूज़ मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा तो उसमें भी आप जरूर फ्रेंड ऐड हो जाइए। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पर लॉस में भी चल रहे हैं ट्रीटमेंट तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 9165959889, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पर मेरा फ्रेंड प्राइम ग्रुप भी है जिसमें मैं आपसे कुछ मंथली चार्ज लेके मैं आपको टीम प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं और मैं आपको उसके बदले में एक अच्छी टीम भी प्रोवाइड करा सकता हूँ जिससे कि आप विन कर पाओ। तो फ्रेंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप लॉस में हो ड्रीम इलेवन, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।